क्वेश्चन नंबर 3, द इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ ए जनरेटर इज 0.2 पर यूनिट ऑन अ बेस वैल्यू ऑफ 11 kV, 50 MVA. देन फाइंड द इम्पीडेंस वैल्यू फॉर अ बेस वैल्यू ऑफ 22 kV, 150 MVA. तो पुराने बेस पे जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो 0.2 है, तो नए बेस पे इम्पीडेंस कितना होगा? इसको मैं लिख लेता हूँ. ये जो पुराने बेस पे इम्पीडेंस है 0.2 पर यूनिट, सो दिस इज़ दी ओल्ड वैल्यू ऑफ दी पर यूनिट इम्पीडेंस. ओ मतलब ओल्ड, एन का मतलब है न्यू. तो नया पर यूनिट इम्पीडेंस कितना होगा, जेड पर यूनिट न्यू कितना होगा इस नए बेस पे? तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि पर यूनिट इम्पीडेंस न्यू इक्वल्स टू पर यूनिट इम्पीडेंस ओल्ड इनटू नई बेस पावर डिवाइड बाय पुरानी बेस पावर इनटू पुरानी बेस वोल्टेज डिवाइड बाय नई बेस वोल्टेज का स्क्वायर, नई बेस वोल्टेज का स्क्वायर. VBN, VBN का मतलब है न्यू बेस वोल्टेज. VBO का मतलब है ओल्ड बेस वोल्टेज. सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए. ओल्ड बेस इम्पीडेंस कितना है 0.2, नई पावर है ये, पुरानी पावर है ये 150/50 इनटू पुरानी बेस वोल्टेज है ये, नई बेस वोल्टेज है ये 11/22. सॉल्व कर दीजिए इसको, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 पर यूनिट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 10. इन दिस क्वेश्चन नंबर 10 द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज 0.242. If the base voltage is increased by 1.1 times, then find the per unit value, find the new per unit value. तो जो पुराना बेस वोल्टेज है, मान लेता हूँ x है, तो पुराने बेस वोल्टेज पे इम्पीडेंस है 0.242. This is the per unit value of the impedance, old per unit value of the impedance. We have to get the value of new per unit impedance on a new base voltage which is 1.1x. तो ये कहता है कि base voltage को अगर हम 1.1 times increase कर दें तो per unit impedance नया new per unit impedance कितना होगा. इसने बेस पावर की बात नहीं की है, इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड बेस पावर और जो न्यू बेस पावर है इन दोनों की वैल्यू सेम है, इन दोनों की वैल्यू ये एस है, एस बेस ओल्ड, एस बेस न्यू. ये हमने फार्मूला याद किया हुआ है, दी न्यू पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल्स टू ओल्ड पर यूनिट इम्पीडेंस इनटू नई बेस पावर डिवाइड बाय पुरानी बेस पावर इनटू पुराना बेस वोल्टेज डिवाइड बाय नया बेस वोल्टेज का स्क्वायर. चूँकि ये दोनों बेस पावर्स इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा. आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, 0.242 इनटू एक्स अपॉन 1.1x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.2 पर यूनिट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 0.2 पर यूनिट. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, द इम्पीडेंस पर फेज ऑफ ए 3-phase ट्रांसमिशन लाइन on a base of 100 MVA, 100 kilovolt is 2 per unit. On a base of 100 MVA, 100 kilovolt is 2 per unit. So,
old per unit impedance is 2 per unit on this base. Then the value of this impedance on a base of 400 MVA, 400 kilovolt will be, he is asking the new per unit impedance. तो ये पुराना बेस वैल्यूज़ हैं, इन पुराने बेस वैल्यूज़ पे ओल्ड पर यूनिट इम्पिडेंस 2 पर यूनिट है, तो नए बेस वैल्यूज़ पे न्यू पर यूनिट इम्पिडेंस कितना होगा. सो न्यू पर यूनिट इम्पिडेंस इक्वल्स टू ओल्ड पर यूनिट इम्पिडेंस इनटू नई पावर डिवाइड बाय पुरानी पावर इनटू पुरानी बेस वोल्टेज डिवाइड बाय नई बेस वोल्टेज का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 0.5 पर यूनिट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 18. इन दिस क्वेश्चन नंबर 18 इफ ए 250 MVA 11 kV बाई 400 kV थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर हैज ए लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 0.05. So the leakage reactance is 0.05 per unit on a base of 250 MVA and the primary voltage 11 kilovolt. ये है primary side की voltage. ठीक है, इसका मतलब है ये जो transformer है हमारा three phase transformer और primary side इसकी है 11 kV और secondary side है 400 kV. तो ऑन ए प्राइमरी साइड 250 MVA बेस पर इसका रिएक्टेंस है 0.05. देन द एक्चुअल लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रिफर टू द सेकेंडरी साइड ऑफ 400 kilovolt. हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है द पर यूनिट वैल्यू into the base value. मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि पर यूनिट रिएक्टेंस इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस डिवाइड बाय बेस इम्पिडेंस. आई रिपीट, द पर यूनिट वैल्यू मैंने पुराने लेक्चर्स में बात की है, शायद फर्स्ट लेक्चर में बात की है कि पर यूनिट वैल्यू इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय द बेस वैल्यू. So x per unit equals to x actual divided by z base. तो इस फॉर्मूले को देखिए, ये पर यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला है. अगर मैं x actual फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो x actual equals to x per unit into z base. So x actual equals to x per unit value 0.05 into z base. Z base मैं चूंकि ये पूछ रहा है कि find the actual leakage reactance of the transformer referred to the secondary side of 400 kilovolt, तो मैं Z base निकालूंगा referred to secondary side. देखिए, Z base का जो formula मैंने पुराने lectures में बात की है, base voltage square divided by base power. देखिए, मैं base voltage अगर 400 kilo लेता हूँ, base power तो जो यहाँ पे ये 250 MVA का ट्रांसफार्मर है और बेस पावर में कोई चेंज नहीं हुआ, बेस पावर वही है, बेस पावर तो सेम है. दिस इज 250 MVA. एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि अगर मैं बेस वोल्टेज 11 kV यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मुझे बेस इम्पीडेंस ऑफ द प्राइमरी साइड फाइंड आउट हम कर लेंगे. सी, अगर मैं यहाँ पर बेस वोल्टेज 11 kV रखता हूँ तो बेस इम्पीडेंस मुझे प्राइमरी साइड का पता चल जाएगा, 11 kV साइड का. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रिफर टू द सेकेंडरी साइड निकालना है, सेकेंडरी साइड ऑफ 400 kV. तो बेस वोल्टेज 400 kV साइड का रखना पड़ेगा, HV साइड का रखना पड़ेगा, जो कि 400 kV है. 400 के स्क्वायर डिवाइड बाय 250 मेगा, किलो स्क्वायर और मेगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 400 स्क्वायर डिवाइड बाय 250 और इसको आप यहां पे रख दीजिए 400 स्क्वायर डिवाइड बाय 250. देखिए, x एक्चुअल इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू इक्वल्स टू पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू.
आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे 32 ओम वैल्यू आपको मिल जाएगी। सी दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन दिस क्वेश्चन नंबर 20 देर आर थ्री जनरेटर्स रेटेड एट 100 MVA 11 KV। यहाँ पे तीन जनरेटर्स हैं एक प्लांट में, ऐसा समझ सकते हैं कि कोई प्लांट है और यहाँ पे तीन जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स हमेशा पैरेलल में काम करते हैं और तीनों का जो रिएक्टेंस है 0.15 पर यूनिट है। तो तीनों का रिएक्टेंस है 0.15 पर यूनिट। इफ इन द सेम प्लांट दीज जनरेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल इक्विवेलेंट जनरेटर, द इफेक्टिव इंपेडेंस ऑफ द इक्विवेलेंट जनरेटर विल बी। देखिए इफेक्टिव इंपेडेंस फाइंड आउट करना है तो ये तीनों जनरेटर्स पैरेलल में हैं तो इफेक्टिव इंपेडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, चूंकि ये तीनों पैरेलल में हैं तो 1/Zeq=1/Z1+1/Z2+1/Z3 जो इक्विवेलेंट पैरेलल के इक्विवेलेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो आपने फार्मूला याद किया होगा 12th क्लास में, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो 1/0.15 1/0.15 1/0.15 1/Z equivalent, सो 1/Z equivalent = 3/0.15 Z equivalent = 2.15/3 दैट इज इक्वल्स टू 0.05 पर यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, थ्री फेज 50 MVA 10 kV जनरेटर हैज़ रिएक्टेंस ऑफ 0.2 ओम पर फेज। सो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस इज गिवन एज 0.2 ओम पर फेज, हैंस द पर यूनिट वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस ऑन अ बेस ऑफ 100 MVA 25 kV। तो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है और इस बेस पर यूनिट वैल्यू पूछ रहा है, पर यूनिट वैल्यू की डेफिनेशन मैंने बताई थी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय द बेस वैल्यू। तो इस बेस पे पूछ रहा है 100 MVA 25 kV पे, तो बेस इंपेडेंस इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर फाइंड आउट करेंगे, 100 MVA और 25 kV को लेकर फाइंड आउट करेंगे। 50 MVA और 10 kV से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि पर यूनिट वैल्यू इन बेस 100 MVA 25 kV पे पूछ रहा है, इसलिए जेड बेस इन दोनों वैल्यूज़ को ले इन दोनों की मदद से कैलकुलेट करेंगे। सो जेड बेस इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर्स में, बेस वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय दी बेस पावर। सो इट विल बी 25 kV² डिवाइड बाय 100 मेगा। सो किलो स्क्वायर और मेगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है 0.2 और यहाँ पे लिख देंगे 25 स्क्वायर, 100 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 0.032 पर यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। Before 27 we can solve question number 26 here. There is a single phase transformer, the resistance of the transformer is 0.02 per unit and the reactance of the transformer is 0.06 per unit. Then we have to calculate the actual resistance and reactance referred to HV side. तो ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 4 kVA का है, एच वी साइड है 400 वोल्ट की, एल वी साइड है 200 वोल्ट की और इसका इम्पीडेंस दिया हुआ है
इस ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस दिया हुआ है 0.02 प्लस जे 0.06। आपको पता है इम्पीडेंस कैसे लिखते हैं, आर प्लस जे एक्स के फॉर्म में। तो पर यूनिट इम्पीडेंस इतना हो गया। क्या कह रहा है, एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर टू एच वी साइड। ओके, एच वी साइड ये वाली साइड है। तो अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पर यूनिट वैल्यू में बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। तो पर यूनिट वैल्यू तो ये है, लेकिन बेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बेस वैल्यू को का मतलब मुझे पता है बेस वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई बेस पावर। और बेस वोल्टेज देखिए, रेटेड वैल्यूज आर टेकन एज बेस वैल्यूज इफ़ नथिंग इज गिवन इन द प्रॉब्लम। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द प्रॉब्लम देन यू हैव टू टेक द रेटेड वैल्यूज एज बेस वैल्यूज। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है इसका जो बेस पावर है वो तो 4 KVA है। लेकिन जो बेस वोल्टेज हम किस साइड का लें, 400 वोल्ट लें या 200 वोल्ट लें, क्योंकि रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन एच वी साइड इज 400 वोल्ट एंड द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन एल वी साइड इज 200 वोल्ट। तो हम बेस वोल्टेज इन दोनों में से कौन सा चूज करें। तो क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर टू एच वी साइड निकालना है। तो भाई आपको एच वी साइड में एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो बेस वैल्यू हमें एच वी साइड की रेटेड वैल्यूज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 400 स्क्वायर। सो 400 स्क्वायर डिवाइड बाई 4000, के का मतलब है 1000। इसको आप यहाँ पे रख दीजिए 0.02 प्लस जे 0.06 इंटू 400 स्क्वायर डिवाइड बाई 4000। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें वैल्यू पता चल जाएगी 0.8 प्लस जे 2.4 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.8 ओम, यहाँ रिएक्टेंस कितना हो गया 2.4 ओम। तो 0.8 एंड 2.4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी दिस क्वेश्चन नंबर 27, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हैज ए फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। देन वी हैव टू कैलकुलेट द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ ए स्टार डेल्टा कनेक्शन। क्या कहना चाहता है कि एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, के का मतलब इसने डिफाइन कर दिया डेल्टा फेज वोल्टेज। यानी मान लेता हूँ कि डेल्टा जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का, एक फेज में कितनी वोल्टेज डेवलप हो रही है एक्स, और जो स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है इसके एक फेज में कितनी वोल्टेज डेवलप हो रही है वाई, ऐसा मैंने मान लिया। तो जो इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है डेल्टा फेज वोल्टेज, डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, डेल्टा साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर के एक फेज की वोल्टेज डिवाइड बाय स्टार फेज वोल्टेज, स्टार साइड के एक फेज की वोल्टेज, ये दिया हुआ है के। देन ही इज आस्किंग फाइंड आउट द स्टार लाइन टू लाइन, स्टार लाइन टू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय डेल्टा लाइन टू लाइन वोल्टेज। ही इज आस्किंग दिस रेशियो स्टार लाइन टू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय डेल्टा लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो ठीक है, स्टार साइड में लाइन टू लाइन वोल्टेज कितनी होगी, भाई फेज वोल्टेज मुझे पता है तो क्या मैं लाइन टू लाइन वोल्टेज नहीं पता कर सकता हूँ, ये वाई रूट थ्री होगी। और डेल्टा साइड में लाइन टू लाइन वोल्टेज कितनी होगी, अगर फेज में वोल्टेज है एक्स तो लाइन में वोल्टेज होगी एक्स, तो एक्स लिख सकते हैं। तो रूट थ्री बाई, देखिए अगर एक्स बाई वाई है के तो वाई बाई एक्स हो गया 1/k, तो वाई बाई एक्स हो गया 1/k, आप लिख दीजिए रूट थ्री बाई के विल बी द आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 28। इन क्वेश्चन नंबर 28
अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, द पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ सर्किट एलिमेंट इज 0.15, इफ द बेस के वी एंड बेस एम वी ए आर हाफ्ड, यानी कि बेस किलो वो बेस वोल्टेज और बेस पावर को हम अगर आधा आधा कर दें तो नया पर यूनिट इम्पिडेंस उस सर्किट एलिमेंट का क्या होगा। यानी मैं मान लेता हूँ कि जो पुराना बेस वोल्टेज है वो है एक्स और पुरानी बेस पावर है वाई। अगर हम पुराने बेस वोल्टेज को आधा कर दें, यानी ये नई बेस वोल्टेज हो गई और पुराने बेस पावर को हम आधा कर दें, तो हमारा जो पर यूनिट इम्पिडेंस होगा नया वाला वो कितना होगा। ये तो ओल्ड पर यूनिट इम्पिडेंस कितना दिया हुआ है 0.15, ये इस पुराने बेस पे, ये वोल्टेज है और ये है पावर, ये वोल्टेज है, वोल्टेज ये है पावर। तो ठीक है, पुरानी नई पर यूनिट पावर इक्वल्स टू पुरानी पर यूनिट पावर इनटू नई पावर डिवाइड बाय पुरानी पावर इनटू पुरानी बेस वोल्टेज डिवाइड बाय नई बेस वोल्टेज स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0.5 इनटू 1 अपॉन 0.5 इनटू 0.5, तो ये हो गया 0.15 डिवाइड बाय 0.5 और ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 बाय 5, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0.3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, the per unit value of a 4 ohm resistor at 100 MVA base and 10 kilovolt base। देखिए actual value of the resistance दी हुई है 4 ohm और base power दिया हुआ है 100 MVA and the base voltage is given to us 10 kilovolt। We can find out the base impedance, the base voltage square divided by the base power, so the base voltage square equals to 10k square divided by 100 mega, kilo square and mega will get cancelled and you will get 10 square by 100, it will be 1। अगर आप पुराने वीडियोस में देखें तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, पुराने लेक्चर्स को आप सुने तो मैंने उसमें क्लियर कर दिया था कि पर यूनिट रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल्स टू एक्चुअल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द बेस इंपीडेंस। तो एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम और बेस इंपीडेंस कितना है 1, तो पर यूनिट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी, पर यूनिट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी 4 पर यूनिट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे।